बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने बागमारा अंगारपथरा की यास्मीन खातून को न्याय दिलाने के लिए कमर कस लिया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अमान अंसारी ने कहा कि आरोपी कांग्रेस नेता कमला कुमारी के पति राजीव कुमार पर यास्मीन खातून ने कतरास थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। मामला दर्ज होने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि उसी तरह के मामले बागमारा विधायक को न्यायालय से बेल नहीं मिल रही है। राजीव कुमार के ऊपर केस किए हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मुस्लिम समाज के जितने लोग हैं आज उन पर हम लोग यास्मीन खातून के पक्ष में हैं और हम लोग मांग करते हैं प्रशासन और सीएम साहब से कि इसको न्याय मिलना चाहिए। एक झूठा केस में विधायक जी को कमला कुमारी करती है तो आज विधायक जी को अंदर करवा दिया और उसी केस में आज राजीव कुमार खुलेआम कतरास में हो मार्केटिंग कर रहा सब कर रहे हैं। क्या ये सब मामला है? एक आंख में सुरमा एक आंख में काजल हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ तो सबको मालूम हो गया सत्ता पक्ष का दुरुपयोग कौन कर रहा है। जाकर इकट्ठा होकर फिर वही आंदोलन करेंगे जो एक महिला को सच्चा न्याय मिले। आज एक महिला नहीं झूठा आरोप लगाकर हमारे विधायक जी के पास इस तरह का आरोप लगाई है कि वो झूठा पति जब इस तरह कर्म करते हैं तो क्या उसे हिरासत में नहीं लेना।